सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है, बौद्ध अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए पूरे देश में आंदोलित हो गए हैं। कुछ दिनों पहले भारत के बौद्धों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई के लिए साकेत हमारी भूमि है इसके लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, इसके बाद उसे अस्वीकार भी कर दिया था। उस लड़ाई में हम बुरी तरह हार गए थे, कारण सरकार की मंशा खराब थी और हमारी अप्रोच कमजोर थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज साकेत की स्थिति बदल गई है। आज जो वहां कुछ हो रहा है उसके ऊपर देश भारत पूरा चिंतित है, खासतौर से इतिहासकार और भारत के बौद्ध सभी चिंतित हैं। हम सब लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया कि बंटवारे की लड़ाई में हम हार गए, हमने बंटवारा नहीं करा पाया, हमने अपना दावा वहां पर मजबूत नहीं कर पाया। अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे, जहां पर ये दावा करेंगे कि जो वहां अवशेष निकल रहे हैं ये अवशेष बौद्धकालीन है। ये अवशेष वहां तथागत भगवान बुद्ध के जमाने के हैं और सम्राट अशोक के जमाने के हैं। पुरातत्व से संबंधित एक धारा है, वह धारा है 1958 अधिनियम है 1958 और 1972, जिसके तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई भी अवशेषों को छेड़ता है, उसके साथ अन्याय करता है, पुरातन वस्तुओं के साथ बदलाव करता है, तो उस पर क्रिमिनल एक्ट मुकदमा होना चाहिए। मैं हाईकोर्ट में जा रहा हूं, हमारी टीम, हमारी वकीलों की टीम, विधि के जानकार लोगों की टीम इस समय ड्राफ्टिंग कर रही है और हम लखनऊ और इलाहाबाद दोनों हाईकोर्टों में अपनी याचिका दायर करेंगे, जो पूरे बौद्धों की तरफ से होगी। साकेत मुक्ति आंदोलन संघर्ष कर रहा है, आप लोगों का साथ चाहता है, आप सभी लोग साथ दें, हम लोग इस हाईकोर्ट की लड़ाई में सफल होंगे। जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, वो जाएं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में जा रहे हैं। हमारी ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है और हम लोग अतिशीघ्र ही ये मुकदमा याचिका दायर कर देंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।